हेलो गाइस, इट्स मी प्राची। और आज का जो व्लॉग है, इट्स ऑल अबाउट अ डे इन माय लाइफ एज अ सेकंड ईयर नॉटिकल कैडेट। सच्ची सच्ची बोलूँ तो सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, पर इन अ मरीन कॉलेज अटेंडेंस एक बहुत बुरी चीज़ है। तो मेरी दिन की शुरुआत होती है पीटी के साथ। हमारी पीटी रहती है 6:10 से 6:45 तक। पीटी से थक के आने के बाद इट वॉज ऑलरेडी 6:50 और हमारे क्लासेस शुरू होते 8:30 से, और 8:10 को हमारा फर्स्ट मास्टर रहता है। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी से रेडी होना पड़ा, मैं ठीक से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, पर या चलो कॉलेज के लिए। वैसे तो हमारा ब्रेकफास्ट हमेशा छूट ही जाता है, पर आज मैं सोच लो व्लॉग कर रही हूँ तो ब्रेकफास्ट को तो नहीं छोड़ सकती। सो या आज ब्रेकफास्ट में था मेदू वड़ा, जो कि मुझे पसंद था तो मैंने खा लिया, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े कॉलेज। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग का 8:10 को मस्टर होता है, मॉर्निंग मस्टर एज इन, इसमें हमारी यूनिफॉर्म चेक किए जाते हैं, नेल्स चेक किए जाते हैं, हमारे शूज़ चेक किए जाते हैं कि वो वेल पॉलिश्ड है कि नहीं, और उसके बाद हमारी 8:30 से क्लासेस होती हैं। सो हमारी फर्स्ट क्लास थी स्टेबिलिटी की, जो कि थी 8:30 से 9:30 तक। वैसे तो हमारे क्लासेस 12:40 तक कंटिन्यूस रहते हैं, पर आज कुछ कंपनी वाले आए थे तो हमें ऑडिटोरियम बुला लिया गया। ऑडिटोरियम से आने के बाद इट वॉज ऑलरेडी 11:20 आई गेस, पर फिर भी हमारे फैकल्टी को पढ़ाना था। इट्स फाइनली लंच टाइम गाइज। सॉरी गाइज, मैं लंच को रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं वर्कशॉप के लिए लेट हो रही थी। इट वॉज ऑलरेडी 12:20 और मुझे 12:40 तक कॉलेज पहुँचनी थी। सो जल्दी जल्दी से रेडी होने के बाद मैं निकल गई वर्कशॉप के लिए। इट वॉज ऑलरेडी 12:38 और मैं भागी भागी पहुँच गई कॉलेज। तो आज का हमारा टॉपिक था मरीन मशीनरीज, जो कि बोरिंग होते हुए भी हमें इंटरेस्टिंग बना था। अबे पहले से भी टी लगा भाई। पर इट्स ब्रेक टाइम। गो राजा गो। हम लोग इतने टैलेंटेड हैं कि हम लोग वर्कशॉप में बैठे बैठे भी सो जाते हैं। एंड इट्स अगेन ब्रेक टाइम। बिल्ली नहीं हो सकती है, बैकग्राउंड में बिल्ली हो सकती है। जैसे हॉस्टल आने के बाद मैं इतना थक गई थी मुझे कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा था, फिर भी आज रूम इंस्पेक्शन था तो फिर मुझे सब कुछ साफ करना पड़ा, क्योंकि हम पूरे हफ्ते तो साफ करते हैं नहीं, और लास्ट में जब रूम इंस्पेक्शन वाले दिन आते तब सारा कचरा साफ करना पड़ता है। चिप्स के लिए होती है। तो सफाई करने के बाद मैं देखने गई स्क्वॉश का मैच। गो मुराजी। मुराजी मेरे हाउस का नाम है। मैच देखने के बाद हम चले गए वॉक पे, और ये हमारी ब्यूटीफुल सी लेक।
करके आने के बाद इट वॉज ऑलरेडी 7:30 और 7:45 से 8:10 तक सेकेंड ईयर का डिनर टाइमिंग्स होता है। फिर मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो गई। मैं ये भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई गाइस, सॉरी, क्योंकि मैं हर जगह लेटी होती रहती हूँ। सो खाना खाने के बाद, ये है मेरी रूममेट, और खाना खाने के बाद इट्स नाइट मास्टर टाइम। नाइट मास्टर होने के बाद फाइनली अब रूम इंस्पेक्शन की बारी, जहाँ हमारे हर चीज़ चेक होने वाली है कि हमने कितना धूल जमाया। सब जो दिखा रही है इसका क्या बोलते हैं, बिहाइंड द सीन हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए घूमता कैसे है कैमरा पे तुम्हारा। रूम इंस्पेक्शन के बाद इट वॉज ऑलरेडी 9 आई गेस, तो मैंने जल्दी जल्दी से चेंज कर लिया। आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि सुबह से मैं कपड़े ही बदल रही हूँ, पर या हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होते हैं। मॉर्निंग टाइम पे हम लोग पीटीडी या हमारी जो कॉलेज यूनिफॉर्म है उसमें खा सकते हैं, और लंच टाइम में हम पीटीडी नहीं पहन सकते, हमें कॉलेज यूनिफॉर्म में खाना होगा। और वर्कशॉप जैसे कि आपने देखा था मुझे बॉयलर पे भी नहीं खा सकते हम लोग। फिर आई मीन बॉयलर सूट। और उसके बाद नाइट मास्टर होती है हमारी, आपने देखा एक ग्रीन कलर का जो मास्टर टी शर्ट है, वैसे ही सारी है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मास्टर टी शर्ट। ठीक है, चला चला रखिए क्या वीडियो, सो फेस वॉश करने के बाद इट वॉज 9:30 और हमारा 9:30 से 10:30 तक स्टडी आवर्स होते हैं, जिसमें हमें ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ता है। सो आज मैंने पढ़ा आरओआर, जो कि हमें रटना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है रटना और समझना। तो एक घंटा अपनी नींद से जूझते हुए और अपनी 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैंने एक रूल याद कर ली। कभी कभी टाइम मिलने से अच्छे बच्चों की तरह मैं गीता भी पढ़ लेती हूँ। सच में कुछ अलग सी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। इतनी मेहनत करने के बाद मैं तो बहुत थक गई हूँ गाइस, सो नाउ इट्स स्लीप टाइम। तो इसी के साथ मैं चली सोने। अगर आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।